तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। आज मैं आपको कैनन पिक्सिमा, जो हमारा प्रिंटर और स्कैनर है, मैंने परचेस किया था, उसका हम रिफिलिंग कैसे कर सकते हैं। मैंने ये अमेज़ॉन से पिक्सिमा का ये कार्टिज जो है वो मंगवाया है ऑनलाइन, और इसको हम रिफिलिंग कैसे करेंगे, इसको हम कैसे अपने प्रिंटर में पुराना जो हमारा इंक है उसको निकाल के हम ये नया जो मैंने परचेस किया उसको कैसे प्रिंटर में ऐड करेंगे, वो आज दिखाऊंगा। ये अमेज़ॉन से मैंने परचेस किया था, 1040 रुपये का है, कुछ अराउंड 1045 रुपीज़ का मुझे ये पड़ा है। और मेरा जो कैनन पिक्सिमा E510 करके ये प्रिंटर है, और उसमें E510 उसमें ये प्रिंटर जो है वो उसके रिलेटेड है ये, और इसका बिल भी आपने देख लिया है। सबसे पहले हम अपने जो प्रिंटर है उसका नीचे का जो ये पोर्शन है उसको हम ओपन करेंगे ऐसे, और जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ पे जो कार्टिज है वो आपको मूव होती हुई आपको दिखाई देगी, और जैसे ही मूव होके बंद होगी और वो नीचे आ जाएगी अपने आप, उसको इस बटन को आपको नीचे प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आपको पुरानी जो कार्टिज है उसको निकाल देना है। ये मेरी पुरानी कार्टिज है जिसमें बराबर प्रिंटिंग नहीं हो रहा था, आई थिंक वो कलर जो है वो खाली हो गए थे उसमें, तो ये मैंने नई मंगवाई है। अब हम इसको नए जो हमारा कार्टिज है उसको मैं उसी इसी तरह से ऐड करके दिखाऊंगा, और ये जो है कार्टिज का प्रिंटर का कार्टिज रखने की जगह है यहाँ पे, और ये ख़राब हो गई थी, कलर जो है वो स्प्रेड हो रहे थे ज़्यादा। ओरिजिनल कार्टिज है ये जो प्रिंटर के साथ आई थी, और ये नई कार्टिज है जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी। इसको हम पहले ओपन कर देंगे, यहाँ से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। और ये ओपन हो चुकी है, इसको हम बाहर निकालेंगे। E510 में ये जो कार्टिज है वो 98 कलर्स करके, 98 इसका कुछ नंबर है, कोड नंबर है, और ये मैंने ओपन कर दी है। सबसे पहले इस रैपर को आपको खींच लेना है, याद रखिए जब आपको प्रिंटर में डालना हो तभी इसको आप ओपन करें, उसके बाद फिर आपको सही डायरेक्शन देखना है कि कौन से एंगल से आपको इसमें ऐड करना है, और बड़ा जो हिस्सा आता है वो पहले आपको ऐड करना है, और ऐसे प्रेस कर देना है तो वो वहाँ पे लॉक हो जाएगी, और नीचे का जो लॉक का बटन है उसको आपको ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद दोनों एक बार चेक कर लेना है, फिर जो उसका बॉक्स है उसको आपको बंद कर देना है। ये पुराना कार्टिज जो उसको मैं संभाल कर रख देता हूँ, शायद रिफिलिंग में काम आए। और उसके बाद आपको ये बॉक्स जो उसको बंद कर देना है, प्रिंटर का जो ओपन हमने किया था कार्टिज के लिए उसको भी आपको बंद कर देना है। और यहाँ पे हम आज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया, अब आपका जो प्रिंटर है वो रीबूट होगा, वहाँ पे लाइट हो रही है ग्रीन कलर की, और प्रिंटर रीबूट हो रहा है, कार्टिज वहाँ पे उसकी ओरिजिनल जगह पे सेट हो रही है राइट साइड, दोनों कार्टिज सेट हो जाएगी तो मैसेज देगा, और प्रिंटर जो है वो थोड़ा मूव जो हो रहा है, झरक जो आ रही है वो बंद हो जाएगी। उसके बाद मैं इसमें एक पेज रखूँगा, और पेज रखने के बाद मैं आपको नई जो कार्टिज हम डालते हैं अमेज़ॉन से मैंने मंगवाई है उस कार्टिज में आउटपुट कैसा दिखता है वो मैं 50 रुपये की नोट का आपको कलर प्रिंट आउट करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने ये अभी स्कैन का बटन ऑन किया है, स्कैनर के अंदर जो इसका ऑल इन वन ये प्रिंटर है इसलिए मैंने इसमें स्कैनर आता है, स्कैनर में मैंने वो 50 की नोट रख दी है। अब मुझे प्रिंट निकालने थे, पेज में डाल रहा हूँ, पेज यहाँ पे हम रख देंगे पेज ट्रे में, और फिर हम हमारा जो बटन है कौन सा आपको प्रिंट चाहिए, कलर चाहिए कि ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे दो बटन दिए हैं, एक बटन जो है वो कलर का है और दूसरा जो है ब्लैक प्रिंट का है, तो मैंने कलर का प्रेस किया है। जैसे ही कलर का प्रेस किया तो उसने ऑटोमेटिक उसको स्कैन करना स्टार्ट कर दिया है, नोट को स्कैन करके ऑटोमेटिक ये मुझे प्रिंट दे के मुझे ये प्रिंट देगा, ऑटोमेटिक अपने आप ही स्कैन हो जाएगा, और स्कैन होने के बाद अपने आप ही वो प्रिंट आउट निकालेगा, पेज को अंदर ले लेगा। तो अभी जो उसका प्रोसेस है स्कैन होने का वो चल रहा है, जैसे ही प्रोसेस ख़त्म होगा तो वो पेज अंदर लेगा, और पेज अंदर लेने के बाद
वो प्रिंट करेगा। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा प्रिंटर है, इससे पहले भी मैंने इस प्रिंटर का एक यूज़ किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो ये दूसरी जो कार्टिज है वो मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन और ये पेजिस ने अंदर ले लिया है और इसकी स्पीड बहुत ही अच्छी है प्रिंट आउट की। दूसरे प्रिंटर भी मैंने यूज़ किया लेकिन उसमें स्पीड बहुत कम रहती है। देखिए ये प्रिंट आउट होके बाहर आ रहा है। सिंपल मैंने नया इंक जो कार्टिज था वो ऐड किया और प्रिंटर को रीबूट किया, उसमें एक प्रिंट आउट के लिए एक डॉक्यूमेंट रखा और फिर ये मैंने सिंपल कलर प्रिंट का ऑप्शन दबाया। आप देख सकते हैं कि जैसी मेरी 50 रुपये की नोट थी वैसा ही बिल्कुल प्रिंट आउट हुआ है, कोई भी एरर नहीं आई है। तो बहुत ही अच्छा स्कैनिंग का रिज़ल्ट है और बहुत ही अच्छा प्रिंट का रिज़ल्ट है। प्रिंटर बहुत ही अच्छा है, सस्ता है और आपको अगर हर रोज़ का एक आध प्रिंटर प्रिंट निकालना हो तो आप इंक जेट का यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर आप लेज़र जेट का यूज़ करो। और कलर प्रिंट आउट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा फ़ायदेमंद भी है। एक कार्टिज से आप 400 पेज की आप प्रिंट निकाल सकते हो और वो डिपेंड रहता है कि आप कैसा आपका कलरफुल इमेज है। ये सिंपल आउटपुट है, आप देख लीजिए थोड़ा सा वेरिएशन है। तो दोस्तों ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।